Hello everyone, in the series of Indian Penal Code 1860, today we are going to discuss Section 90. Section 90 बात करता है consent known to be given under fear or misconception. जो consent है, जो सहमति है, वो दी जा रही है, कब? या तो कोई fear हो, या फिर कोई misconception हो. Fear का मतलब होता है डर, misconception का मतलब होता है जो facts हैं, वो गलत तरह से बताए गए हैं, तो वो misconception होता है. अब इसकी जो section है, उसमें लिखाएगा, A consent is not such a consent as it intended by any section of this code. वो जो consent है, वो जो यहाँ के sections हैं इस IPC में जो section, जो consent की बात करी है, जिन sections में, वो consent वैसी नहीं मानी जाएगी कब? If the consent is given by a person under fear of injury. अगर किसी व्यक्ति को ये डर है कि उसके साथ कोई इंजरी कॉज हो सकती है. इंजरी जो सेक्शन 44 ऑफ दिस कोड, इंडियन पिनल कोड में ही डिफाइन है इंजरी, दैट इज द हार्म ऑफ बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी, दैट इज द इंजरी. अगर किसी को ये चीज, इन चीजों का डर है कि उसके साथ इन चीजों का कोई नुकसान होगा, और उसमें अगर कोई पर्सन उसकी कंसेंट देता है इस फियर में कि आप मेरा, कि उसको कोई बोला जाए कि अगर आप ऐसा काम नहीं करोगे तो आपकी बॉडी हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी, आपका माइंड, आपकी रेपुटेशन, इनमें कमी हो सकती है. और अगर, और एंड अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स, तो जो फैक्ट्स हैं वो मिसकंसेप्शन है, मतलब फैक्ट्स क्लियर नहीं है, अगर फैक्ट्स गलत बताए जा रहे हैं, गलत तथ्यों का प्रयोग करते हुए. एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट्स नोज, और जो पर्सन एक्ट कर रहा है उसको ये पता है कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ. और हैज रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव है, रीजन टू बिलीव का मतलब होता है उसको 100% वो, उसको पता है कि भाई वो क्या करने जा रहा है, एक्चुअल कॉज है उसके पास करने का, दैट द कंसेंट वॉज गिवन इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फियर ऑफ मिसकंसेप्शन. तो ऐसा माना जाएगा कि जो कंसेंट दी गई है वो फियर या फिर मिसकंसेप्शन, फियर मतलब डर, मिसकंसेप्शन मतलब गलत तथ्यों का प्रयोग करते हुए कोई बात को कहना, तो वो जो कंसेंट दी गई है, जो सहमति है, वो यहाँ पे फियर है या मिसकंसेप्शन में. ओवरऑल जो सेक्शन में बात करी है, ये बात करी है कि अगर किसी से आप कोई काम करवाते हैं और उस काम करवाने के लिए उसकी जो सहमति, अगर वो किसी डर से वजह से होती है या फिर कोई गलत तथ्यों की वजह से होती है, और अगर वो एक्ट कर देता है तो वो उस पर्सन को यहाँ पे डिफेंस मिल जाएगा. लेकिन उस पर्सन को ये पता होना चाहिए कि ये जो कि मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे फियर में है, इन फियर है इंजरी का और मिसकंसेप्शन है. फिर उसमें बात करी है कंसेंट ऑफ इनसेन पर्सन. इस जगह बात करी है कि अगर कोई इनसेन पर्सन है, इनसेन पर्सन को यहाँ पे इंक्लूड किया है अनसाउंड माइंड पर्सन और इंटॉक्सिकेटेड. कोई अनसाउंडनेस माइंड का है कोई पर्सन, या फिर कोई इंटॉक्सिकेटेड है, कोई पागल व्यक्ति है, या फिर कोई नशे की हालत में जो व्यक्ति है, जो ये समझ ही नहीं सकता, अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट टू विच ही गिव्स हिज कंसेंट, कि उसने किन कारणों में, किस समय या फिर किस परिस्थितियों में उसने अपनी कंसेंट दी है, अपनी सहमति दी है उस कार्य करने की, तो उसको भी यहाँ डिफेंस मिल जाएगा. और अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट अपीयर्स फ्रॉम द कंटेस्ट इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु इज अंडर 12 इयर्स ऑफ एज. जिस भी बच्चे की 12 साल से कम की उम्र है, उसने चाहे किसी भी कार्य करने की आपको कंसेंट दे दी है, वो ऐसा ही माना जाएगा कि वो कंसेंट आपने फियर या मिसकंसेप्शन में ली है, या फिर उसको ये नहीं पता है कि आपने क्यों लिया ये कंसेंट, अनलेस द कंट्रारी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेस्ट. जब तक आपके एक्ट से ये प्रूव नहीं हो जाता है कि वो जो आपने कंसेंट ली है वो सही ली है, तब तक तो चाइल्ड की कंसेंट और इनसेन पर्सन की कंसेंट यहाँ पे अनवैलिड होती है, आप उनकी कंसेंट नहीं ले सकते. एक केस है उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2003 का केस है. इस केस में ये हुआ था, जो उदय है, उदय एक लड़का था, इसकी एक फ्रेंड थी, तो इन दोनों ने, ये दोनों प्यार में पागल होते हैं, तो ये दोनों प्लान करते हैं कि हम फ्यूचर में शादी करेंगे. लेकिन दोनों की जो कास्ट होती है वो अलग अलग होती है, तो उनको पता होता है कि हमारी कास्ट अलग है तो हो सकता है हमारी शादी नहीं हो, हमारी फैमिली इसको एक्सेप्ट नहीं करे, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करे. लेकिन दोनों प्यार में पागल होते हैं और वो एक दिन इंटर कोर्स कर लेते हैं, तो फिर लड़की उस पर ऑफेंस लगाती है रेप का, कि आपने मेरे साथ ये रेप किया है, ये गलत किया है. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जिस लड़की को यहाँ पे, जिस लड़की ने ये ऑफेंस का जो लगाया था, उसके लिए कहा कि ये आपको पता था कि जो आपकी शादी हो रही है वो हो सकता है आपकी सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं करे, तो यहाँ पे कोई फियर नहीं था आपके मिसकंसेप्शन का, आपको तथ्यों की कोई गलत जानकारी नहीं थी, आपको पता था कि ऐसा हो भी सकता है, और वो जो इंटर कोर्स हुआ था वो आपकी भी डिजायर थी, इसलिए यहाँ पे जो ये उदय था, जो प्लेंटिफ था यहाँ पे, इसको यहाँ पे डिफेंस मिल गया. दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन. थैंक यू वेरी मच.